بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मेरा नाम प्रोफेसर नासिर शाह है। आज मैं आपको फैमिली मेडिसिन की दो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और एक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताऊंगा। और इन तीनों का मकसद ये है कि हम अपने डॉक्टर्स को जदीद नॉलेज प्रोवाइड करें, ठीक है। डॉक्टर से मुराद हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं और मेडिकल ऑफिसर्स हैं और लेडी डॉक्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं या सरकारी सतह पे करते हैं, वो बेहतर हो जाएं। और उनको MCPS फैमिली मेडिसिन और MRCGP इंटरनेशनल की डिग्रीज भी मिलें और अच्छे परफॉर्मेंस करने पे उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन भी मिले। तो शुरू करते हैं सबसे पहले MCPS फैमिली मेडिसिन से। MCPS का मतलब होता है मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, CPSP। CPSP पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट तिब्बी तालीम का सबसे पुराना और मुस्तनद इदारा है और दुनिया भर में माना जाता है। ये उसकी डिग्री है और ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और हायर एजुकेशन कमीशन से बिल्कुल रिकग्नाइज है। CPS फैमिली मेडिसिन को हासिल करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी अस्पताल में 2 साल की ट्रेनिंग लें, या अगर आपका 5 साल का तजर्बा है प्राइवेट प्रैक्टिस का, सरकारी अस्पताल में OPDs का, या किसी भी ऐसी जॉब में जो कि जनरल ड्यूटी होती है, तो आप डायरेक्टली ये इम्तिहान दे सकते हैं और आपको अस्पतालों में ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका तरीक़ेकार भी बहुत सादा है। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान में। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद आपको 4 मैंडेटरी वर्कशॉप्स होती हैं। मैंडेटरी इसलिए है कि वो सबको करनी पड़ती है, जितने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स के ट्रेनीज हैं सब करते हैं। उसके बाद जब आप वर्कशॉप्स कर लेंगे फिर आप इम्तिहान के टाइम पे इम्तिहान की फ़ीस जमा कराएंगे और इम्तिहान में बैठ के इम्तिहान दे देंगे। आप पास करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। जो मैंडेटरी वर्कशॉप का मैंने जिक्र किया है वो 4 हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो 3 दिन की होती है, कंप्यूटर स्किल 3 दिन की होती है, बेसिक सर्जिकल स्किल्स 3 दिन की होती हैं, और बेसिक लाइफ सपोर्ट जो कि तमाम ट्रेनीज को करनी पड़ती है वो 1 दिन की होती है। अब आइए रजिस्ट्रेशन की तरफ। जो MCPS फैमिली मेडिसिन है उसकी रजिस्ट्रेशन साल में 2 दफ़ा 1-1 महीने के लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है। पहली दफ़ा वो जनवरी में खुलेगी। अब दिसंबर का महीना है और जनवरी आने वाला है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो अपने आप को कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में जनवरी में रजिस्टर करा सकते हैं। फिर वो बंद हो जाएगी, फिर दोबारा 6 महीने बाद जुलाई में दोबारा खुलेगी। बिल्कुल इसी तरह इसका इम्तिहान भी साल में 2 दफ़ा होता है, मार्च में और अक्टूबर में। इम्तिहान के 2 हिस्से हैं, रिटन और प्रैक्टिकल, जो कि तमाम पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। जो रिटन एग्ज़ाम है वो पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के जहाँ जहाँ रीजनल सेंटर हैं, तकरीबन 14 सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये रिटन पेपर होता है। और जो प्रैक्टिकल है वो सिर्फ 3 बड़े शहरों में होता है जिसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद शामिल हैं। आइए पेपर की तरफ। पेपर में सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो जो रिटन पेपर है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं पेपर 1, दूसरा पेपर 2। एक सुबह होता है और एक दोपहर को होता है। जो पेपर 1 है उसके अंदर 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जिसके कुल नंबर हैं 100, और पेपर 2 में 100 MCQs होते हैं और उसके नंबर भी हैं 100। पास करने के लिए आपको 65% चाहिए एग्रीगेट, जिसका मतलब है अगर एक पेपर में आपके नंबर कम हैं तो दूसरे पेपर के नंबर इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह से आप पास कर सकते हैं। दोनों पेपर्स को अलग अलग पास करना ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर हजरात अक्सर पूछते हैं इसकी फ़ीस कितनी है, तो यकीन जानिए कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान चूँकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, इसकी डिग्रीज हमेशा सारी दुनिया से सस्ती होती हैं, लेकिन इसके इल्म का मयार इंटरनेशनल लेवल का है।
अगर आप इसकी फ़ीस मुकम्मल देखें तो सबसे पहले 3,000 रुपीज़ फ़ीस आप देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, फिर 4 वर्कशॉप्स की मजमूई फ़ीस 30,000 के लगभग बनती है, और इम्तिहान जब देंगे तो इम्तिहान की फ़ीस 15,000, तो कुल 48,000 रुपये के बराबर इसका ख़र्चा आता है। दूसरी डिग्री जो आपसे आपको मुतारफ़ कराना चाह रहा हूँ वो है MRCGP इंटरनेशनल साउथ एशिया, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स UK देता है साउथ एशिया के इलाके में, इसलिए इसको इंटरनेशनल भी कहते हैं। इसकी अच्छी बात यह है ये बिल्कुल हमारे MCPS फैमिली मेडिसिन से मुताबकत रखता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेबस, करिकुलम बिल्कुल तकरीबन एक ही जैसा है, लेकिन ये डिग्री रॉयल कॉलेज ऑफ GPs UK देता है। इसका इम्तिहान भी साल में 2 दफ़ा होता है, और पहली दफ़ा ये मई में और दूसरी दफ़ा नवंबर में। पाकिस्तान में इसके सेंटर कराची और लाहौर में हैं, ठीक, और याद रखिएगा ये साउथ एशिया है तो ये पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में भी भयकवत हो रहा होता है। और जो प्रैक्टिकल की बारी आती है, मौजूदा हालात में सिर्फ श्रीलंका में ये हो रहा है, कोलंबो में, ठीक, कुछ तकनीकी मसाइल हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये कराची में दोबारा स्टार्ट होगा। MCPS से MRCGP का पेपर कदरे मुख्तलिफ है, इसमें एक ही पेपर होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, और पासिंग मार्क्स तकरीबन 60% के करीब होती है, कभी 58, कभी 60, कभी 62। इसके थोड़े, चूँकि इंटरनेशनल डिग्री है, रॉयल कॉलेज की है, पाउंड्स की वजह से इसका ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा है MCPS से। रिटर्न पेपर की जब फ़ीस देंगे तो तकरीबन वो 420 पाउंड्स हैं, प्रैक्टिकल की 580 है, और अब आजकल श्रीलंका जाना पड़ता है तो तकरीबन 450 पाउंड का ख़र्चा और आ जाता है, तो कुल मिला के 1500 पाउंड्स हैं। और अगर आप इसको पाउंड्स, इस वक्त 212 रुपये का एक है, तो पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करेंगे तकरीबन 3,18,000 रुपये बनते हैं। तीसरी जो अहम बात आपसे मुतारफ़ करानी थी वो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन, ठीक है, ये एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट है, नॉट सिंपल पार्टिसिपेशन, इसकी एक वर्थ है। ये जो हमारे जो कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, 75% नंबर लेंगे, ये उनको ऑफ़र की जाएंगी। जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके लिए अलग से कोई इम्तिहान नहीं है, कोर्स के इम्तिहान की बुनियाद पे ही ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसकी कोई इजाफी फ़ीस भी नहीं है। जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है वो एक ऐसा इदारा दे रहा है जो कि पंजाब के इलाके में फैमिली मेडिसिन का पॉइनियर है, वो है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल पंजाब में फैमिली मेडिसिन को मुतारिफ करने वाला पहला इदारा है, जो कि 2003 से फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद है, और पूरे पाकिस्तान में वो CMEs करवाता रहता है। और दूसरी उसका तुरह इम्तियाज़ ये है कि 2005 से वो डिस्टेंस लर्निंग भी करवा रहा है, यानी ऑनलाइन की ख़ास किस्म होती। जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जो MRCGP और MCPS, ये तीनों डिग्रीज़ के लिए एक ही कोर्स है, एक जामे प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन रोज़मर्रा के जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। कोर्स की मज़ीद तफसीलात के लिए मेरी एक अलग वीडियो है, उसको आप गौर से देखिएगा, उसमें सिर्फ कोर्स के बारे में तफसीलात दी गई हैं कि कैसे तरीके से पढ़ाया जाता है। हम कोर्स के शुरू में और आखिर में हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा, कि हमारा ये तमाम इस एक्सरसाइज का, इस जदोजहद का मकसद यही है, डॉक्टर्स के इल्म में इजाफा हो और वो पेशेंट की बेहतर देखभाल कर सके। ठीक, तो इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।